नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल नड्डा ऑटोमोबाइल में। एक बार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। ये सुजुकी SX4 VDI डीजल गाड़ी है। कस्टमर कंप्लेंट है कि गाड़ी चलते चलते बंद हो गई है, तो हमने भी कंफर्म किया, तो हमने इसको स्टार्ट करने की कोशिश की। तो मैं आपको प्रॉब्लम के बारे में बता देता हूँ। तो ये गाड़ी 1,02,000 किलोमीटर के लगभग चल चुकी है, तो हम इसको स्टार्ट करके आपको दिखाने वाले हैं इसकी प्रॉब्लम। स्टार्ट कर। दोबारा कर। तो हम इसको डायग्नोस करने वाले हैं, कंटिन्यू ये वीडियो देखते रहें। तो हमने इसका साइलेंसर खोल के देखा तो ये वाइट स्मोक दे रही है, और बीच में ये कभी कभी बैक कंप्रेशन भी दे रही है, एयर इनटेक से ये वाइट स्मोक दे रही है। तो हम इसको डायग्नोस करने वाले हैं, कंटिन्यू ये वीडियो देखते रहें। यह प्रोसीजर चाहे आपकी गाड़ी SX4 हो, स्विफ्ट VDI हो, चाहे S-Cross हो, जो जितनी भी मारुति की डीजल गाड़ी है, सबके लिए यही सेम प्रोसीजर है। कंटिन्यू यह वीडियो देखते रहें। तो सबसे पहले हमें जो मिला इसकी डीजल की कंडीशन, हम इसका डीजल निकाल के देख रहे हैं पाइप के ज़रिए। तो जो इसके डीजल की कंडीशन है हमें ठीक नहीं लग रही, तो हम आपको बाहर निकाल के बता रहे हैं जी कैसी इसकी कंडीशन है। बस कर दे। तो ये पानी मिक्स डीजल जो पैरेट कलर का हो गया है डीजल, ये पानी मिक्स डीजल हमें इस गाड़ी में से मिला है। तो हमने इसको हाथ में लेके भी देखा तो ये हमें पानी की तरह फील हो रहा है, तो इसकी वजह से भी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इंजेक्टरों तक पानी पहुंचा है, तो हमने नया डीजल कंपैरिजन में लिया है। तो ये नया डीजल है और ये पुराना डीजल मैं दिखा रहा हूँ, तो ये नया डीजल है। तो इसके कलर और उसके कलर में बहुत ज़्यादा फर्क है, वो पैरेट कलर का है तो वाटर मिक्स डीजल है वो। तो सबसे पहले हम इसका फ्यूल टैंक उतारेंगे। गाड़ी का फ्यूल टैंक उतार के पूरी फ्यूल लाइन, डीजल फिल्टर से लेके फ्यूल रेल तक सारा क्लीन करेंगे, डीजल फिल्टर भी नया डालेंगे। तो इसको निकालने के लिए ये हमें पाइपें हटानी पड़ेंगी, नीचे साइलेंसर हटाना पड़ेगा। ये फ्यूल टैंक है गाड़ी का, डीजल टैंक है, तो इसको पूरा उतारना पड़ेगा और उतार के इसके अंदर हमें क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो ये हमने निकाल लिया है बाहर और हम इसको बाहर से क्लीन कर रहे हैं पानी के जरिए। तो हम इसको खोलेंगे, खोल के आपको बताएंगे। तो डीजल टैंक के अंदर की कंडीशन आपको दिखा रहा हूं। तो ये पानी मिक्स डीजल है, आप डीजल की जो है कंडीशन आप देख सकते हो, पानी मिक्स कैमरे में अगर दिखाई दे रहा हो, ये बिल्कुल पानी मिक्स डीजल है। तो इसको हम क्लीन करेंगे, इसके फ्यूल पंप जो टैंक में है उसको हम क्लीन करेंगे, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसके इंजेक्टर चेंज करेंगे और इसका हेड का जो है काम करवाना पड़ेगा, सिलेंडर हेड निकालना पड़ेगा। तो हमने इसको स्टार्ट करने की कोशिश की तो जो स्टार्ट नहीं हुई, तो अब हम इसके चारों इंजेक्टर निकाल रहे हैं और इसका सिलेंडर हेड हम रिमूव करेंगे, वाल सीट लगवाएंगे, हेड को फेस करेंगे। तो अब हम इसके एक बाय एक इंजेक्टर निकालने वाले हैं। तो इंजेक्टर निकालने के लिए इसके सेंसर और ये छोटे छोटे इंजेक्टर के पार्ट जो अंदर होते हैं, इसको बड़ी सावधानी से निकालना पड़ता है। तो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट होते हैं, मिस ना हो जाएं, गुम ना हो जाएं, इसलिए इसको बड़े ध्यान से निकालना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है। तो कंटिन्यू ये वीडियो देखते रहें।
ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए और से और वीडियो लाता रहूँ और मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो कंटिन्यू ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देख के मैकेनिक बनने की कोशिश ना करें, तो ये जो है कई सालों का तजर्बा है, मेहनत है, तो घर पे ट्राई ना करें, कहीं आप टूल लेके गाड़ी को खोलने लग जाएं अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो कृपया ऐसा ना करें, किसी अच्छे मैकेनिक को ज़रूर दिखाएं। तो मैं आपको इंजेक्टरों की कंडीशन बता देता हूँ, ये इंजेक्टर हमने निकाल लिया है, ये इंजेक्टरों की कंडीशन देखिए आप, बिल्कुल जाम थे, बड़ी मुश्किल से बाहर आए। तो इसके बाद हम इसका सिलेंडर हेड रिमूव करेंगे और उसको फेस लगवाएंगे, वाल सीट लगवाएंगे, नई वाल सील लगवाएंगे, उसके बाद हेड हम फिक्स करेंगे। ये सारा काम हम खुद करेंगे। तो ये हमने सिलेंडर हेड निकाल लिया है, मैं आपको सिलेंडर हेड की कंडीशन बताता हूँ। तो ये इसका सिलेंडर हेड हम डिसमेंटल कर रहे हैं, इसमें से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो लेफ्ट साइड को आप देख रहे हो, इसको हम अलग करेंगे हेड से, और इसको हम अब खरादिए के पास फेस करने के लिए देंगे। और ये हमारा जो है वाल और हेड हमारा तैयार होके आ गया है, हम इसके वाल और वाल सील फिट करने वाले हैं। ये इसके रोकर हैं, हमने इसको सीरियल वाइज रख लिया है, तो इसको नंबर डाल के रखना पड़ता है, तो जो जिस पोजीशन में लगना है वहाँ का ही हो। तो ये हमने सिलेंडर हेड तैयार कर लिया है, ये हम सिलेंडर हेड फिट करने वाले हैं। ये हेड गैस्केट है, ये मेटल हेड गैस्केट को ऑयल लगाना बहुत ही ज़रूरी है, इसको इंजन ऑयल ज़रूर लगवाएं दोनों साइड, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। फाइबर और अदर मटेरियल की अगर हेड गैस्केट हो जो अल्टो वगैरह में यूज़ है, उसको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये स्विफ्ट के लिए ज़रूरी है, इससे हेड गैस्केट अच्छे से बैठ जाती है और चिपक जाती है सिलेंडर ब्लॉक से। तो हमने सिलेंडर हेड तैयार कर लिया है, इंटेक मैनिफोल्ड, ईजीआर वाल और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड फिक्स करने के बाद हम इसको फिक्स करने वाले हैं। अब इसको गाड़ी में, इंजन में इंस्टॉल करने वाले हैं सिलेंडर हेड को। इसके बाद हम इसको टॉर्क देंगे सीक्वेंस में, कंटिन्यू ये वीडियो देखते रहें। फॉल्ट की जड़ तक जाना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप फॉल्ट की जड़ को नहीं पकड़ोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं होगे, कोई ना कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले हेड को हाथ से मिलाएंगे, पूरा इसको बिठाएंगे, उसके बाद इसको फाइनल टॉर्क करेंगे। तीन स्टेप में इसको टॉर्क किया जाता है, क्योंकि अगर हम एक बार में ही टॉर्क देंगे तो हेड के बोल्ट जो है स्लिप होने के, टूटने के चांसेस होते हैं। तो इसको तीन स्टेप में हम इसको सीक्वेंस में टॉर्क करते हैं, आमने सामने यानी कि क्रॉस वाइज। इसके बाद हम इसके रोकर फिट कर रहे हैं, ये इसके रोकर हम इसमें बिठा रहे हैं सिलेंडर हेड में। एक एक करके इसके जो पोजीशन, जिस पोजीशन से हमने इसको निकाला था उसी पोजीशन में हम इसको रख रहे हैं, इसको हमने नंबर डाल के, हमने मिक्स नहीं कर सकते हम इसको, क्योंकि इसकी अपनी सीट बनी होती है। तो अब हम इसका जो है कैमशाफ्ट इंस्टॉल करने वाले हैं। तो कैमशाफ्ट इंस्टॉल करने वाले हैं, इसकी जो टाइमिंग होती है वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पा रहा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइमिंग के बारे में बता दूंगा। तो हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है, इसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो गाड़ी को हमने स्टार्ट कर लिया है, हम इसका अब रोड टेस्ट लेने वाले हैं। ऐसी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल नड्डा ऑटोमोबाइल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।